شیر بہادر دولت انگلیسیا کے سی آئی ای او بی ای ریاست ہمت پور کا حکم ہے. بہتر ہوگا حفاظت کے لیے چند سپاہی ساتھ لے جائیں. کوئی ضرورت نہیں. محنت ہم کریں اور دولت راج محل میں جائے, پانی کی طرح خون ہم بہائیں اور ایسے نکمے کریں. یہ ہمارے ہمدرد نہیں, دشمن ہے دشمن. آئیو, ہمیں اگر شکایت ہے تو ان اصولوں سے, اس راج گدی سے جو انسان انسان میں فرق پیدا کر دیتی. لیکن بھائیو, اب ہمیں یہ دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ بھارت کا ایک بہت بڑا حصہ ریاستوں میں بٹا ہوا ہے. ہمارا فرض ہے کہ یہ ریاستیں آزادی کے لیے ختم کر دیں. بولو, ریاست راج, جنتا راج, آزادی. اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا. ہم سے پہلے ہماری وفادار ریا نے آپ کے منہ پر تماچا مارا. ان کا سہارا لے کر آپ ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے تھے. ان کا سہارا لے کر آپ لیڈر بننا چاہتے تھے. میں لیڈر نہیں ہوں یور ہائنس, میں تو جنتا کا ایک سیوک ہوں. آزادی ہر انسان کا پیدائشی حق ہے اور وہ اسے ملنا ہی چاہیے. ہماری ریا کو اس قسم کی آزادی نہیں چاہیے, اس لیے وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گا. اپنی تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے ہر کمزور انسان طاقتور سے ڈرتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے ڈر کر چلے گئے. لیکن یقین رکھیے یور ہائنس کہ ایک دن ان میں بھی آپ کا سامنا کرنے کی طاقت آ جائے گی. اس سے پہلے آپ کی زبان بند کر دی جائے گی. یاد رکھیے, آئندہ کبھی ایسی حرکت کی تو آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو ایک دشمن کے ساتھ ہوتا ہے. اسے لے جائیے. سرکار, یوراج چھوٹے راجکمار اور چھوٹی راجکماری درشن کے لیے پدھار رہے ہیں. युवराज प्रताप सिंह जी. यस योर हाइनेस. पोलो ग्राउंड का जलसा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा योर हाइनेस. मुझे जो भी लिख के दिया गया था मैंने वही पढ़ा. गुड. और आप? मीना बाजार का ओपनिंग किया योर हाइनेस. मजमा था? जी बड़ी भीड़ थी, लेकिन वहां पे सब औरतें औरतें थी योर हाइनेस. अजब, आपको अब तक पता नहीं कि मीना बाजार में सिर्फ औरतें शामिल होती. आई एम सॉरी योर हाइनेस. और आप राजकुमारी आशालता देवी? गीता सम्मेलन के समारोह में गई थी योर हाइनेस, लेकिन मैंने वो तकरीर नहीं की जो मुझे लिख के दी गई थी. क्यों? सभा के लोग मेरे विचार जानना चाहते थे. आपके विचार कोई माने नहीं रखते. आपको वही कहना चाहिए जो हम चाहते हैं. आइंदा इस किस्म की हरकत ना हो. गुड नाइट. Yes. हम कुछ कहना चाहते हैं योर हाइनेस. आप सब? नो योर हाइनेस. यानी आप कुछ कहना चाहती हैं? जी. आप जा सकते हैं. गुड नाइट. गुड नाइट योर हाइनेस. गुड नाइट. फरमाइए. हम कार्निवल देखना चाहते हैं योर हाइनेस. जी हाँ, लेकिन आम लोगों के साथ कार्निवल देखना हमारी शान के खिलाफ है. लेकिन योर हाइनेस. गुड नाइट. गुड नाइट. छोटे राजकुमारी क्या कर रहे हैं? वो तो कब की सोई गई है हजूर, हुक्म हो तो जगाई दे. कोई जरूरत नहीं. ओ बाबूजी, कहाँ इंतजार करे थो माते विभाग का? ए लड़की, कौन है तू? चल भाग यहाँ से. अच्छा, हमका भगाए दिया थो, सोच ली हो आखिर मैं तुमका पछताए का पड़ी. चल चल अपना रास्ता नाप. रणधीर. अरे आशा, तुम? ये क्या सॉन्ग रचाया तुमने? क्या करती, कार्निवल का बहाना फेल हो गया इसलिए राजकुमारी से नौकरानी बन गई. कैसे लगती हूँ? अच्छी लगती हूँ, लेकिन तुम्हें इस तरह आना नहीं चाहिए था. ये हमारी सभ्यता. ए लीडर, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आई. चलो कार्निवल देखे. घबराओ नहीं, कोई नहीं पहचानेगा. Thank you.
वेलकम डॉक्टर संजय जी, मैं हिसाइनस का एजेंट हूँ, दलजीत सिंह। बड़ी खुशी हुई आपसे। आइए, हिसाइनस आपके मुंतजिर हैं। चलिए। डॉक्टर संजय, आप इससे पहले भी कई रियासतों में जा चुके होंगे। जी नहीं, लेकिन ये मेरा पहला इत्तेफाक है। तो बेहतर होगा कि मैं आपको महल के आदाब बता दूँ। जी हाँ, जरूर, मुझे बड़ी खुशी होगी। जब आप हिसाइनस के सामने जाए तो इस तरह छुप कर 3 बार सलाम कीजिए, और अगर 4 बार हो जाए तो? जी नहीं, ये दस्तूर के खिलाफ है। अच्छा। जब तक हिज हाइनेस आपको बैठने की इजाजत न दे, आप खड़े रहिए। ओह, आई सी। लेकिन हिज हाइनेस इजाजत देना भूलेंगे तो नहीं? और अगर हिज हाइनेस आपसे कोई सवाल पूछे तो खड़े होकर जवाब दीजिए। बस या और कुछ? दैट्स ऑल। आइए, चलिए। Highness, Dr. Sanjay. Good morning, Your Highness. Good morning. आपकी शोहरत सुनकर हम समझे थे आप ज्यादा उम्र के होंगे। शोहरत के लिए बाल सफेद होना जरूरी नहीं, Your Highness. Oh, I'm so sorry. आपकी इजाजत के बगैर मुझे बैठना नहीं चाहिए था। इसमें हम आपको दोष नहीं देते डॉक्टर संजय, बैठ जाइए। थैंक यू। दरअसल आजकल के लोग हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी तहजीब को भूल रहे हैं। वो समझते हैं कि दुनिया में हर इंसान का दर्जा बराबर है, लेकिन ये गलत है। ये गलत नहीं है योर हाइनेस, आजकल के लोग अपना अपना हक समझने लगे हैं। और दलजीत सिंह, खबर दे दी गई कि डॉक्टर साहब यहाँ है? यस योर हाइनेस। एग्जामिन करने से पहले मैं आपकी बेटी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। आपका मतलब है राजकुमारी? जी हाँ। क्या जानना चाहते हैं? आपका यहाँ होना जरूरी है क्या? जा सकते हो। यस योर हाइनेस। कहिए। हमें जहाँ से छुड़ा लो, बहुत उदास हूँ मैं। मुझे गले से लगा लो, बहुत उदास हूँ मैं। जहाँ से छुड़ा लो, बहुत उदास हूँ मैं। मुझे गले से लगा लो। क्या बदतमीजी! आप लोगों से कई बार कहा गया कि इस कमरे में शोर न मचाया जाए, राजकुमारी को तकलीफ होती है। आप इस रियासत के युवराज हैं। I'm sorry. आइए डॉक्टर। राजकुमारी, ये हैं डॉक्टर संजय। नमस्ते राजकुमारी जी। शायद इन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया, आप थकी हुई मालूम होती हैं। योर हाइनेस, अगर राजकुमारी जी थक गई हैं तो मैं बाद में एग्जामिन कर लूंगा। जी नहीं, अभी देख लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं और इसकी भी नहीं। मैं जानता हूं आप चल नहीं सकती, मैं यहां आपको अच्छा करने आया हूं। मैं अच्छा होना नहीं चाहती। राजकुमारी, ये कौन सा तरीका है बात करने का? आप नहीं जानती है कितने बड़े डॉक्टर हैं, क्या आप अच्छा होना नहीं चाहती? नहीं, लेकिन हम चाहते हैं। जो कुछ ये पूछो उसका ठीक ठीक जवाब दीजिए। राजकुमारी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग राजकुमारी जी। इंजेक्शन? नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, मैं तंग आ चुकी हूँ, मेरा सिस्टम चल नहीं रहा। राजकुमारी जी, आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी नहीं, है। नहीं चाहिए मुझे इंजेक्शन। क्या बचपना है, इंजेक्शन दीजिए डॉक्टर साहब। ये सुर है ना डॉक्टर साहब, ये कौन सा इंजेक्शन है? B12 ताकत के लिए। मेरा ख्याल है ये इंजेक्शन रोका जा सकता है, मगर हिसाइनस का हुक्म है कि दवा इंजेक्शन वक्त पर दिए जाए, इसलिए मैं उपदोली नहीं कर सकता। हमारा ख्याल है डॉक्टर संजय की योर हाइनेस, अगर आप डॉक्टर का काम डॉक्टर को सौंप दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इंजेक्शन रोक दीजिए। योर हाइनेस, मत दीजिए इंजेक्शन। जो योर हाइनेस, मैं राजकुमारी जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। लेकिन आपकी मौजूदगी में मेरे लिए जरा। आपका मतलब है कि? अच्छी बात है, हम स्टडी में आपका इंतजार कर रहे हैं।